अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अरसलान आपका अपने YouTube चैनल AS टेक्निकल स्टूडियो में वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है WhatsApp का इस्तेमाल करते हुए अपने मैसेंजर के ऊपर किस तरह से वीडियो चैट के लिए जो है वो रूम को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है वो मेरा WhatsApp है, तो WhatsApp को मैं यहाँ पर अनलॉक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है वो मैं चैट के ऑप्शन में अवेलेबल हूँ, तो मैं जो है लास्ट का यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो है वो कॉल्स का है, तो कॉल्स के ऑप्शन में जाऊँगा। और यहाँ पर आप जो है ग्रीन कलर में एक बटन कॉल का देख रहे हैं, उसके ऊपर ये जो मार्क किया मैंने वीडियो चैट के लिए, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको अभी के लिए मिल जाएगा अगर आपका WhatsApp अपडेटेड है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू एज अरसलान आरजे, अरसलान आरजे तो जो कि मेरी फेसबुक की आईडी है। और यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि आप जो है मतलब इसी के आईडी को इस्तेमाल करते हुए अपना रूम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रूम क्रिएट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है जिसके आप इनवाइट करेंगे उसका जो है आपके मैसेंजर के ऊपर होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद जो है सेंड लिंक ऑन व्हाट्सएप इस तरह का आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपका रूम जो है वो क्रिएट हो चुका है, योर रूम हैज़ बीन क्रिएटेड। आपने जस्ट जो है ये ब्लू बार में दोबारा से इसको जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आपका जो है वो WhatsApp ओपन हो जाएगा और ये यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है कि आपका रूम क्रिएट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे ही जो है वो ब्लू बार को क्लिक करेंगे तो आपका WhatsApp ओपन हो जाएगा और जिन जिनको आप जो है इनवाइट करना चाह रहे हैं वीडियो चैट के लिए उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने एक दो दोस्तों को जो है वो सिलेक्ट करके इन्विटेशन सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह का लिंक उन्हें चला जाएगा और मैं सेंड कर दूंगा। सेंड करने के बाद उनको लिंक मिल जाएगा, लिंक को वो जैसे ही ओपन करेंगे अगर तो मैं अवेलेबल होऊंगा तो वो मेरी चैट को ज्वाइन कर लेंगे, अगर मैं नहीं होऊंगा मतलब अपने जो है रूम के ऊपर अवेलेबल या मैसेंजर के ऊपर अवेलेबल नहीं होऊंगा तो मैसेंजर की तरह मुझे एक कॉल वसूल हो जाएगी, मुझे कॉल आएगी तो उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा तो वो हम जो है वो वीडियो चैट के ज़रिए जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप रूम को क्रिएट कर सकते हैं आसानी से और ये आप कह सकते हैं कि मैसेंजर की जो है वो प्रमोशन के लिए ही इसको इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से जो है वो रूम को क्रिएट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो परमानेंट रख सकते हैं, किसी अलग एक दोस्त को अलग से हर दोस्त के लिए रूम भी आप क्रिएट कर सकते हैं और उस रूम को अगर आप मज़ीद कॉल्स या नोटिफिकेशंस नहीं चाहते तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।